खबर है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर। 19 नवंबर को अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के तौर पर अपना कार्यभार संभाला, लेकिन अब इस मामले में नया पेच चढ़ गया है और सवाल केंद्र सरकार पर उठ रहे हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल को कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने पूछा है कि कैसे अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। कोर्ट ने इससे जुड़ा रिकॉर्ड मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि आखिर कैसे मामले की सुनवाई शुरू होने से 3 दिन पहले ही उनकी नियुक्ति हो गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बड़ा दखल देते हुए चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति संबंधी फाइल मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा है कि सुनवाई शुरू होने के 3 दिन के अंदर नियुक्ति हो गई। नियुक्ति को लेकर अर्जी दाखिल करने के बाद ये नियुक्ति की गई। हम जानना चाहते हैं कि नियुक्ति के लिए कौन सी प्रक्रिया अमल में लाई गई। अगर ये नियुक्ति कानूनी है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। उचित होता अगर अदालत की सुनवाई के दौरान नियुक्ति न होती। बता दें कि याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने संविधान पीठ को बताया था कि गुरुवार को उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। फिर सरकार की ओर से एक सरकारी अफसर को VRS देकर चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया, जबकि हमने इसे लेकर अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड पेश करें ताकि हम ये स्पष्ट कर सकें कि कोई हंकी पैंकी नहीं हुआ है। अगर ये नियुक्ति कानूनी है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। उचित होता अगर अदालत की सुनवाई के दौरान नियुक्ति ना होती। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए किस प्रक्रिया का पालन किया गया। अगर ये नियुक्ति नियम के अनुसार की गई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ये नियुक्ति कोर्ट की सुनवाई के खत्म होने के बाद होती तो उचित रहता। कोर्ट ने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति में कुछ गलत तो नहीं हुआ है। बता दें कि अरुण गोयल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। इस साल के आखिरी में यानी 31 दिसंबर 2022 को उनको रिटायर होना था, लेकिन अपने वक्त से पहले उन्होंने पद से सेवानिवृत्ति ले ली, जिसके बाद सरकार ने उन्हें चुनाव आयुक्त का पद दे दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम जैसी प्रक्रिया को अपनाने का सुझाव दिया था, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि कोई सत्ताधारी दल चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अपने यस मैन को इस पद पर नियुक्त कर सकता है। बहरहाल अब देखना है कि इस मामले में और बड़ी अपडेट क्या आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।